बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जिनके अफेयर रहे और शादी से पहले उन्होंने एक दूसरे को डेट भी किया। हालांकि इनमें से कुछ रिश्ते तो सगाई तक भी पहुंचे, लेकिन एन वक्त पर इनकी शादी टूट गई। इनमें रवीना टंडन, अभिषेक बच्चन से लेकर सलमान खान तक के नाम शामिल हैं। रवीना टंडन और अक्षय कुमार। रवीना और अक्षय के बीच 3 साल अफेयर चला। रवीना ने एक इंटरव्यू में ये बात कबूली थी कि उन्होंने मंदिर में अक्षय के साथ सीक्रेटली सगाई कर ली थी। कहा जाता है कि अक्षय रवीना के साथ शिल्पा को भी डेट कर रहे थे। बाद में अक्षय ने ट्विंकल खन्ना और रवीना ने बिजनेसमैन अनिल थडानी से शादी कर ली। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर। करिश्मा अभिषेक के प्यार की शुरुआत अभिषेक की बहन श्वेता की शादी के बाद हुई। शादी के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। बाद में अमिताभ बच्चन ने अपने बर्थडे पर अभिषेक करिश्मा की सगाई का ऐलान कर दिया। कहा जाता है कि करिश्मा की मां बबीता को अभिषेक पसंद नहीं थे। करिश्मा भी मां के फैसले का विरोध नहीं कर सकी और फाइनली ये शादी टूट गई। सलमान खान और संगीता बिजलानी। सलमान खान और संगीता बिजलानी एक वक्त सीरियस रिलेशनशिप में थे। दोनों का रिश्ता शादी के करीब पहुंच चुका था। हालांकि इसी बीच सलमान की जिंदगी में सोमी अली आ गईं और संगीता से उनकी दूरियां बढ़ गईं। सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि संगीता के साथ उनकी शादी के कार्ड तक छप चुके थे, लेकिन बात जम नहीं पाई और फिर ये शादी टूट गई। मल्लिका शेरावत और विजय सिंह। मल्लिका शेरावत ने टीवी शो द बैचलरेट इंडिया मेरे ख्यालों की मल्लिका में विजय सिंह को पार्टनर के तौर पर चुना था। मल्लिका ने सगाई की, लेकिन 1 साल बाद ही रिश्ता तोड़ दिया। विवेक ओबेरॉय और गुरप्रीत गिल। विवेक ओबेरॉय और गुरप्रीत गिल साल 2000 में एक दूसरे को डेट करते थे। कहा जाता है कि दोनों ने सगाई भी कर ली थी। बाद में उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। राखी सावंत और इलेश परूजनवाला। 2009 में टीवी पर राखी का स्वयंवर नाम के रियलिटी शो को राखी सावंत ने होस्ट किया था। राखी ने शो पर पहुंचे 16 दूल्हों में से शादी के लिए इलेश को चुना था। शो का दावा था कि इसे जीतने वाले के साथ राखी शादी करेंगी। हालांकि उन्होंने विनर इलेश से सिर्फ सगाई की और बाद में रिश्ता तोड़ दिया। बाद में राखी ने कहा था कि उन्होंने NRI बिजनेसमैन इलेश परूजनवाला से पैसों के लिए सगाई की थी। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।